निर्देश भी हुआ या सलाह भी दी मुख्य सचिव महोदय ने, हम निश्चित रूप से बार बार ये कहेंगे कि रिलीजियस टूरिज्म जो है धार्मिक, क्योंकि माता के दरबार में श्रद्धालु वो स्वयं अपनी प्रेरणा से आता है, उसके बाद वो हमारी जिम्मेदारी है कि आसपास जो भी कटरा के बाद उनके लिए क्या क्या जगहें हो सकती हैं, वो लीजर टूरिज्म भी हो सकता है। हमारे बहुत से धार्मिक स्थल हैं, सबसे पास में शिवखोड़ी है और उसके बाद हम आगे जो जगह जगह हमारे स्थान है जहाँ पे जो देखने में खूबसूरत भी हैं और साथ साथ हमारे धार्मिक स्थल भी हैं, तो वहाँ तक ले जाने के लिए हम लोकल टूर ट्रैवल ऑपरेटर से, होटल इंडस्ट्रीज़ के लोगों से, जो लोग भी ये काम करते हैं उनके जो सुझाव आते हैं उनको हम मान लेते हैं, हम हमारे सुझावों को वो मानते हैं, तो इस तरीके से निश्चित रूप से टूरिज़्म के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास होगा। नवरात्रा में नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है जो नवरात्रा के साथ साथ वो हमारे 365 दिनों के लिए चार बल चढ़ने वाली प्रक्रिया है कि जब टूरिस्ट यहाँ पे आएगा माता के दर्शन के बाद जो परिक्रमा पथ है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है या मेरी जानकारी में, वो करीब 150 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम उसे वाहन के द्वारा करेंगे, अपनी व्हीकल से करेंगे, जो लोग उस तरीके से करने में सक्षम है, तो सुबह से लेकर शाम तक करके वो यात्रा पूरी हो सकती है। उसे हम एडवेंचर टूरिज्म के रूप में भी ट्रैक कर सकते हैं कि जो बूथ आना चाहता है, युवा आ रहा है, वो उस पूरे कवर करे। 2 से 3 दिन लगेंगे यहाँ पे। फिर एक चीज़ आती है होम स्टे की, उस तरीके से ये कार्यक्रम उसको डिज़ाइन किया गया है कि लोगों की धार्मिक जो भावना है वो भी पूर्ण हो और उनको लोकल कल्चर भी देखने को मिले। होम स्टे को इसीलिए हम लोग और रियासी डिस्ट्रिक्ट से होम स्टे के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और उसके लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी मैडम वो काफ़ी काम कर रही हैं, काफ़ी हेल्प कर रही हैं हम लोगों की। तो निश्चित रूप से अगले 1 साल में, अगले कैलेंडर ईयर में ये स्थापित हो जाएगी ये यात्रा, और ये साल भर चलने वाली है। तो आप लोगों से मेरी ये विनती है, प्रार्थना है कि इन चीज़ों को आगे बताएं और जहाँ किसी को कोई परेशानी हो, टूरिस्ट हो या जो लोग इसके आयोजन हैं, हम लोग उनके साथ करें। आप लोगों ने देखा होगा पहली बार यहाँ पे लेजर शो हुआ है और उसी की तरफ ये प्रयास है। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि फ्लावर शो बहुत अच्छा होता है, तो फ्लावर शो का जो अभी आप देखोगे जब ऊपर जाएंगे आप दर्शन के लिए, तो फ्लावर शो का ये बार को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सारे लोग देखें उसको, और ये जो लेजर शो है उसको भी देखें। हर तरह के प्रयास हो रहे ताकि यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आएंगे उनको यहाँ पर एक अच्छा वातावरण तो मिलता ही है, उससे भी बेहतर वातावरण करके हम लोग दें। धन्यवाद। हैं ये सिर्फ कटरा सेंट्रिक ही नहीं, ये पूरे जम्मू रीजन में हमने प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, सरथल माता जो है वहाँ पर माता की भेंट जो है वो उसका आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ जसमेरगढ़ फोर्ट है हीरानगर में, वहाँ पर एक शाम मैया के नाम, वो एक हमने पूरे दिन का प्रोग्राम रखा है। उसके साथ साथ जैसा आप जानते हैं गरबा नाइट जो है वो गांधीनगर कॉलेज में रखी गई है। इसी तरीके से जो कटरा में जैसे ये इवेंट्स किए जा रहे हैं, आगे हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि पेरिफेरल एरियाज को भी हम कवर करें, ताकि हर जगह के लोग जो है वो आकर माता की महिमा जो है वो सुन सकें और माता का गुणगान कर सकें,
सकें और माता की कृपा जो है वो ले सकें। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी, इस बार जो माता की कहानी है वो अलग रूप से पेश की जा रही है, जैसे आप जानते हैं लेजर शो के द्वारा पेश की जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ जैसे दंगल किया जा रहा है जो एक इंटरनेशनल इवेंट है, तो उसमें मेन का कॉम्पिटिशन अलग है, विमेन का कॉम्पिटिशन अलग है, तो ये एक अपने आप में ही हमारा जो युवा वर्ग है उसको भी एक प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि नशा मुक्त रहे जो हमारा युवा वर्ग है और अच्छे कार्यों में काम करे। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे हास्य व्यंग, फिर उसके बाद कवि सम्मेलन, तो हर तरीके की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर जो है वो रखी गई है। आगे से डिपार्टमेंट और कोशिश करेगा कि जो ये माता का के नवरात्रे जो है वो हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं वो पूरे हमारे प्रांत में जो है वो अच्छे तरीके से मनाए जा सकें। अलग अलग एरियाज़ को चूज किया जाएगा ताकि लोगों के पास जाकर रामलीलाएं भी हो सकें, भागवत कथाएं भी हो सकें। और जैसे कि आप जानते हैं इस बार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने जो कलाकार लाए हैं वो 8 स्टेटों से कलाकार आए हैं अलग अलग, तो वो एक बहुत बड़ी इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर है। उसके साथ साथ एक मल्टीमीडिया एग्जीबिशन यहाँ पर रखी गई है, तो ये एक जागरूकता है हमारे लोगों को भी कि किस तरीके से हमने अपनी जड़ों को मजबूत रखना है और किस तरीके से अपने कल्चर को हमने जो है वो बढ़ावा देना है इन नवरात्रों के कार्यक्रमों से। धन्यवाद।